अस्सलाम वालेकुम। बच्चे को खांसी है और ऐसी खांसी जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही। आपका बच्चा खांस खांस के थक जाता है। उसे सीने में एलर्जी है, गले में एलर्जी है और एलर्जी की वजह से खांसी जो है वो बार बार हो जाती है, या अगर है तो वो ठीक नहीं हो रही। तो ऐसी सूरत में अपने बच्चे को ज़ोटाफिन सिरप में केटोटाइफिन पड़ा हुआ है, जो कि एलर्जी वाली खांसी के लिए इंतहाई मुफीद शरबत है। ज़ोटाफिन सिरप जो है ये 6 माह से ऊपर वाले बच्चों को इस्तेमाल करवाया जाता है। 6 माह से लेकर 12 साल के बच्चों को आप एलर्जी वाली खांसी के लिए दे सकते हैं। ऐसी खांसी जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही, ऐसी खांसी जो मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक आप दे चुके हैं लेकिन नहीं रुक रही, तो ऐसी सूरत में बच्चे को ज़ोटाफिन या केटोटाइफिन सिरप जो है वो इस्तेमाल करवाएं। ये कम से कम 7 दिन और अच्छे और बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए 3 माह तक इस्तेमाल कराया जाता है। ज़ोटाफिन सिरप जो है ये एलर्जी वाली खांसी को, दमे को और सांस की तकलीफ़ को दूर करने में मददगार और महाविन साबित होता है। अगर आपके बच्चे जो हैं वो रात को सोने नहीं देते, उन्हें खांसी होती है, सीने से आवाज़ें आती हैं, खांसी की वजह से बच्चे बेचैन रहते हैं, तो ऐसी सूरत में उन्हें ज़ोटाफिन सिरप इस्तेमाल करवाएं। ज़ोटाफिन केटोटाइफिन सिरप जो है ये छोटे बच्चों की खांसी दूर करने में इंतहाई मुफीद और मुवस्सर साबित होता है। हमेशा दवा लेने से कबल अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर मशवरा कर लें। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कभी कभार छोटे बच्चों को इससे मतली या के हो सकती है, या बच्चों की आंखों के आगे अंधेरा सा छा सकता है। अगर ऐसा कोई मसला आपके बच्चे के साथ दरपेश हो जाए तो ऐसी सूरत में भी डॉक्टर से मशवरा कर लें। शुक्रिया।